दोस्तों स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं वंशिका। सातों चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के चार चरणों के मतदान हो चुके हैं। पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी। इस चरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन चरणों में जिन 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे उनमें से वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। केवल रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। यहां से सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में 20 मई को होने वाले जिन 14 सीटों पर मतदान होंगे वे हैं मोहनलालगंज, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। इनमें रायबरेली ही एकमात्र ऐसी सीट है जो 2019 में बीजेपी नहीं जीत सकी थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले एक बार वे 2009 में वे गाजियाबाद सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ सीट पर उनका मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा और बहुजन समाज पार्टी के सवर मलिक से है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत जो है वो आजमा रही है। वे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एन मौके पर राहुल गांधी की जगह किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर स्मृति ईरानी के खिलाफ उतार दिया है। किशोरी लाल शर्मा पंजाब बिहार में प्रदेश कांग्रेस समितियों के अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें राजीव गांधी के साथ भी उन्होंने रैलियों में भाग लिया है। हालांकि स्मृति ईरानी को अमेठी से कांग्रेस के लिए हराना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी पांचवें चरण में रायबरेली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में वायनाड के अलावा रायबरेली सीट से भी पर्चा भराया। वायनाड में पहले ही वोटिंग जो है वो हो चुकी है। अब 20 मई को रायबरेली में मतदान होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद देखना अहम होगा कि क्या रायबरेली सीट पर से वो चुनाव जो है वो जीत पाते हैं या नहीं। रायबरेली पारंपरिक रूप से कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट रह चुकी है। खुद सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव जीती आई हैं। हालांकि वे राज्यसभा की ओर रुख कर चुकी हैं, लिहाजा राहुल गांधी ने इस सीट से पर्चा भरा। कैसरगंज यूपी की एक और हाई प्रोफाइल सीट है जहां 20 मई को पांचवें चरण का मतदान होगा। यहां मौजूदा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बार विवादों के चलते बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन उनके ही बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बीजेपी ने जो है वो टिकट दिया है। करण का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के भरत राम मिश्रा और भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र पांडे से होगा। बाराबंकी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो बीजेपी ने राजा रानी रावत और कांग्रेस के तनुज पुनिया के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस तरह से फैजाबाद के वर्तमान बीजेपी सांसद लालू सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की अनुभवी नेता अवधेश प्रताप ने उन्हें कड़ी टक्कर मिल सकती है। झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने टिकट पर चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हें बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा से कड़ी चुनौती मिल सकती है। वहीं बसपा के उम्मीदवार स्थानीय छात्र नेता रवि प्रकाश मौर्य है। इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी के सामने 13 सीटों पर चुनौती जो है वो अहम मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि 2019 में जिन 13 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की थी, क्या 2024 में भी बीजेपी जो है उन 13 सीटों पर जीत हासिल कर पाती है, और रायबरेली जो 2019 में बीजेपी हार गई थी तो क्या 2024 में रायबरेली जो है वो बीजेपी अपने नाम कर पाती है या नहीं।
और बीजेपी के नेताओं की किस्मत क्या रंग लाती है ये भी 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स।